नमस्कार, मैं अनिल ठाकर, CNW वेरावल। आइए बात करते हैं LHB कोच में लगे स्मोक एंड हीट डिटेक्शन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है जिसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इसका इंस्टॉलेशन RCF कपूरथला में हुआ है। इस सिस्टम के मुताबिक यदि किसी कारणवश कोच में धुआं या आग लगती है तो हूटर बजेगा और रेलवे स्टाफ अलर्ट होगा जिससे पैसेंजर को शिफ्ट किया जा सके। इस डिवाइस को सबसे पहले भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन में लगाया गया था। इसके फीडबैक के आधार पर RDSO की रिसर्च विंग ने उसमें थोड़ा बदलाव करके इस सिस्टम को एयरब्रेक के साथ में जोड़ दिया गया है जिससे कोच में धुआं या आग लगने पर हूटर के साथ साथ ब्रेक भी अप्लाई हो जाएगा और पैसेंजर को सेफ्टी से दूसरे कोच में शिफ्ट किया जा सके। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं LHB कोच में ये डिवाइस कहाँ लगा हुआ है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है और कैसे काम करता है। यह SBC है यानी स्विच बोर्ड कैबिनेट। इसको पावर कार से इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है। इस कैबिनेट में AC कोच के अलग अलग सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए MCB दिया गया है, जैसे कि कूलिंग, फैन, लाइट्स, पंप्स। उसी प्रकार स्मोक डिटेक्शन सिस्टम के लिए भी अलग से MCB दिया गया है। यहाँ से स्मोक डिटेक्शन पैनल को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है। आइए देखते हैं वो पैनल कहाँ लगा हुआ है। ये स्मोक डिटेक्शन पैनल है और यह पावर सप्लाई मॉड्यूल है जिसमें 24 वोल्ट बैटरी लगा हुआ है जिसका बैटरी बैकअप कैपेसिटी 2 घंटे का रहता है। ये स्मोक डिटेक्टर है और कोच के अंदर भी अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर और स्मोक डिटेक्टर दिया हुआ है जो धुआं और आग को सेंस करके सिस्टम को एक्टिवेट करता है। स्मोक डिटेक्शन पैनल के अंदर वेट्सा कॉम्पैक्ट लेजर डिटेक्टर, पावर एंड सिग्नलिंग टर्मिनल, पब्लिक अनाउंसमेंट मॉड्यूल और इंटरकनेक्टिंग केबल लगा रहता है। इस पैनल के ऊपर कुछ इंडिकेशन स्टेप दिए हुए हैं, जैसे फॉल्ट। यदि सिस्टम में कहीं फॉल्ट हो तब ये इंडिकेट करता है। सेकंड, अलर्ट। इस इंडिकेशन में सीधे फ्लैशलाइट एक्टिव होगी। तीसरा है एक्शन। इस इंडिकेटर में हूटर और फ्लैशलाइट दोनों जलेगी या दोनों एक्टिव हो जाएगी। चौथा है फायर वन। इस इंडिकेशन में ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई होगा, साथ में अनाउंसमेंट भी होगा और हूटर व फ्लैशलाइट कंटिन्यू चालू रहेंगे। फायर टू में भी सेम कंडीशन रहेगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई होगी और अनाउंसमेंट भी होगा, हूटर व फ्लैशलाइट दोनों कंटिन्यू चालू रहेगा। Doors can be used for evacuation once the train has come to a stop. इस कोच में संदिग्ध आग है, ब्रेक लगाए गए हैं, कृपया गलियारे के माध्यम से निकले। एक बार ट्रेन रुकने के बाद दरवाजों को निकलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ से सिस्टम को रिसेट किया जाता है। यह रिसेट बटन है। ये कर्मचारी प्रैक्टिकली महसूस करता है कि यह सिर्फ मॉल फंक्शनिंग है या फिर कोई खतरे वाली बात नहीं है। उस कंडीशन में रिसेट बटन को पुश करके सिस्टम को रिसेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि SBC से इलेक्ट्रिक सप्लाई स्मोक डिटेक्टर पैनल को मिलती है और इसी से ये कार्य करता है। आइए कुछ के अंडरगियर में देखते हैं ब्रेक अप्लाई कैसे होता है। इन पाइपलाइन है, यहाँ से एक ब्रांच पाइप के द्वारा इस डिवाइस को कनेक्ट किया गया है। इसमें स्मोक एंड हीट डिटेक्शन सेंसर लगा हुआ है और ऊपर कोच में डिटेक्शन पैनल के साथ कनेक्टेड है। जब भी सिस्टम एक्टिवेट होता है
तब यह बीपी प्रेशर को ड्रॉप करता है और गाड़ी में ब्रेक अप्लाई हो जाती है। ओके, यहाँ पर एक आइसोलेटिंग कोक दिया गया है जिससे ब्रेक एप्लीकेशन सिस्टम को आइसोलेट किया जा सके। दोस्तों, फिलहाल यह डिवाइस ऐसी कोचेस में लगाए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द स्लीपर और जनरल कोचेस में लगाए जाएंगे, जिससे बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।